मेटल कोई भी है जल्दी लगवा दें। तो पुराना ऑर्डर है, 22-23 नहीं लगी भाई। नहीं पुरानी बातों का मैं नहीं कुछ कह सकता हूँ, नई बातों की बात करें तो हम करें। मैं कोई इतना फर्स नहीं कर रहा, सिर्फ मैं जनाब को नोटिस में डालने के कि जो मैं क्यों है वो मेरे साल तो मैं वेट करता रहा लेकिन मैंने कोई देखता रहा क्योंकि इस किस्म की नहीं, और अर्जेंट एप्लीकेशन दिया आपने, अब अर्ली पे आपके पास आया हूँ। अब अर्ली एप्लीकेशन ही दी तो तभी जनाब के पास आया। अच्छा, क्योंकि हमने हुक्म दिया कि अर्ली एप्लीकेशन लगा दें। अच्छा। जरूरी क्योंकि मैंने ये दिसंबर में मैंने फाइल की थी सीएम, तो उस पर जनाब ने हुक्म दिया है कि ये छुट्टियों के बाद जनवरी में एंड ये लगेगी, जो कि आप जनाब के सामने लगे तो उसमें शायद ये भी मैं ना था क्योंकि कुछ नंबरों की लग गई थी, कोई अच्छे ऑर्डर आ चुके थे जो भी आने थे, लेकिन एक जनाब का बेंच जो है लाशिफ 3 नवंबर का, एक 3 नवंबर का ऑर्डर है जनाब, 3 ऑनरेबल मेंबर बेंच था और उसमें वन ऑफ दी लर्निंग जजेस ऑफ जज मिस्टर जनाब अतरबुल्ला साहब, उनका एक नोट है, दैट इज नॉट डिसेंटिंग नोट, ना उनका है ना आपका है, तो वो एक शाह साहब साहब ग्रीवेंस क्या है, है अभी आपकी ग्रीवेंस लाइव है या नहीं है? इंफेक्शन सर रीजन मेरा लाइव है। अच्छा सर, थोड़ा सा नाम से है टिकलेस सा, मतलब क्योंकि मैंने जो अपनी पिटीशन में प्रे की, मैंने कुछ 14 रेस्पोंडेंट बनाए जो कि फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट थे इंक्लूडिंग डिफेंस मिनिस्ट्री फिनांस मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह। अब उसमें जो कुछ मैंने प्रे की थी वो आपके उस ऑर्डर में, वो कौन सा ऑर्डर है उसके बताएं तो हमें, आपका सर जो 3 नवंबर का है कि मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं मुझे कल के ऑर्डर नहीं याद होते हैं, कौन सा ऑर्डर 3 नवंबर का ऑर्डर है? नाम तो बिल्कुल ठीक है, कोई कोई पीएलडी में रिपोर्टेड है या उसकी कॉपी लगाई है आपने साथ? वो यहाँ पर नहीं होंगे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 32 और एक 36। ऑर्डर बताइए ना, ऑर्डर नंबर से हमें क्या पता चलेगा? ऑर्डर ऑर्डर की है जजमेंट है जनाब की, वो 3/11 की है। हमें या तो आप पीएलडी या कोई उसका हवाला दें या ऑर्डर की कॉपी मुंसलिक करें या ऑर्डर की कॉपी हमें दे दीजिए तो हम उसको पढ़ लें। अब आप एक नंबर दे दें, एक तारीख दे दें, उससे हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल मैं तो सिर्फ जनाब को जो बताइए ना, अगर आप कोई चीज का हवाला देना चाहें तो कम से कम वो हमारे सामने आए तो ना, वो चीज कर रहा हूँ सवाल करते हैं जवाब देता हूँ। मेरा कोई सवाल नहीं किया, मैंने पूछा कि जिंदा है केस अभी है इसका, चूंकि मेरी पिटीशन जो है जी जो नंबर 4/2023 वो चूंकि आज जनाब के सामने लगी है और जनाब जिस नोटिफिकेशन को आपने चैलेंज किया है दैट इज डेटेड 22 मार्च 2023, अब जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन 218 का आया हुआ है वो तो अलग है ना बिल्कुल, जिसके बेसिस के ऊपर इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये फॉर ऑल पर्पसेस ये इंफेक्शस नहीं हो गया ये पुराना जिसको आपने? इसीलिए यही तो मसला है सारा सर, तो उसमें चूंकि जो मैंने प्रे की थी जनाब का आर्डर भी हो गया। आप इलेक्शन चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। मैं इलेक्शन चाह रहा हूँ तो होने देना इंशाल्लाह हो जाएगी सर। मैं तो इलेक्शन चाह रहा हूँ कि जब रेजोल्यूशन अभी असेंबली हुई थी उस वक्त का, इसीलिए तो मेरा ये साल हो गया मैंने वो फाइल की है। मुझे समझ नहीं आ रही बात आपकी, कह रहे पहले होना चाहिए था, जब ना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए, अब तो हो रहा है ना सर। सिर्फ ये अब या तो हम सर ये देर वाली बात जो है ना, इसको इस चीज की आप बात कर रहे हैं सर, हमें समझाएं, आप रेफरेंस दे रहे हैं ऑर्डर्स की, वो ऑर्डर्स तो दिखाइए इसमें मैं कि आपकी जो रिटर्न आपका जो जनाब साहब आपकी जो पिटीशन में प्रेयर है वो बहुत सारी तो को वारंट हो गई है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, इसको हटा दें उसको लगा दें, तो ये तो वैसे भी बहुत सी प्रेयर आपकी को वारंट हो गई है, दैट इज कोई लगाने वाले वाली बात नहीं है प्रेयर में आपकी, आपकी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना टिकलिश नहीं है। अब मैं सर देखिए शाह साहब जी, इसमें हम ऑर्डर आपके जो प्रेयर है ना, आप मांग रहे हैं कि होल्ड द इलेक्शन ऑन 30th April 2023 सर, अब ये तो हम कर नहीं सकते हैं मैं, और ये शायद इस कायनात में कोई भी नहीं कर सकेगा सर, मैं ये तो हमसे प्रैक्टिकल बात करवाएं फरमाया
सर अब सिर्फ बात देखनी ये है कि जिस वक्त ये होना था नहीं हुआ, जिस वक्त ये होना था नहीं हुआ, जनाब ने दुरुस्त कहा, ये कोई भी नहीं कर सकेगा। और अब जनाब की इंटरवेंशन से ये 8 तारीख वाला जो मामला और वो 8 तारीख वाली जो जजमेंट है जनाब की, और उसमें जो लंदन बेंच का सारा आर्डर है सारे जनाब, और वो खासकर जो नोट है जनाब जस्टिस मुन्ना साहब का, मैं ये सब कह रहा हूँ सर कि जिनको बेंच ने भी पिन पॉइंट किया, एक्यूज किया कि ये वो लोग हैं, ये वो अदारे हैं जिन्होंने बर्बाद नोटिस नहीं लिया और वो इलेक्शन उनकी वजह से नहीं हुआ। अब मैं कह रहा हूँ सर, पहले आप ऐसे नहीं चलेंगे ना केस, हमें कोई ऑर्डर दिखाइए फिर उसकी फिर उस पर आप बहस कीजिए। आप हमें कोई ऑर्डर दिखाई नहीं रहे। वो मैं सर, तो आप देखिए हर ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं रिपोर्ट होता है, वेबसाइट पे होता है। आप वैसे ही माशाल्लाह सीनियर वकील हैं, आप कॉपी उसकी ले सकते हैं। आई डोंट नो आप कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी वो उनका ऑर्डर है, इनका ऑर्डर है, देखिए तो समझे बात को। वही जिसका जिक्र श्रीराम ने किया है कि अब तो हो रहा है इलेक्शन। I don't know. आप हमें जब तक तसल्ली से चलाएं ना केस। उसमें जनाब ने फिर नोटिस का वो भी मंगवा ले सर, उस पर भी बहस हो जाएगी। मेरे पास वो है, आप जनाब ने उसका कौन सा ऑर्डर, अगर आपके पास है तो हमें भी दिखा दीजिए उसको ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर है दिखा तो देना ऑर्डर किस, हमें कुछ समझ नहीं आ रही बात आपकी। आप कह रहे हैं एक ऑर्डर भी हमें ऑर्डर दिखा देना, समझे आगे बढ़े इस बात को चलाएं। दुरुस्त कह रहे हैं कि जब तक जनाब के सामने नहीं होगा वो नहीं पता आपको, मैं उसकी हवाला दे रहा हूँ, लेकिन वो आपको मंगाना पड़ेगा ऑफिस से। हम नहीं मंगवाएंगे, ये काम आपका, हम आपका काम वकालत नहीं करेंगे।